हे गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस, मैंने आपको फिटिंग कार्ड वाले चैनल पर ये वाली वीडियो दी थी खेत सींचने वाला जो पाइप होता है उसके बारे में। तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसके रिलेटेड कि कितने एक किलो में कितना फुट होता है और कौन सी कंपनी बेटर होती है। फिलहाल मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हों जो मैं कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो पर कवर कर सकूँ। तो अगर आपको स्टार्टिंग से कुछ जानना है, एक अच्छे कंपनी के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। मैं आई कार्ड पर आपको वीडियो दे दूँगा, ठीक है? तो अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस वीडियो में भी कंपनी बताऊँगा, लेकिन दो कंपनी बताऊँगा जो मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरे ख्याल से कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो। देखो, मैं इस जो भी मैं चीज़ बेचता हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं यूज़ तो करता नहीं हूँ। जो मेरे कस्टमर लेकर जाते हैं और बाद में जब आते हैं तो उसको जब बताते हैं तो मुझे पता चलता है कि कौन सा सामान कितना बढ़िया है, कौन सा सामान, जब कोई सामान, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब वो ज़्यादा सेल होने लगता है, कस्टमर खरीदने लगते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, उनके लिए अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है? मैं उसको खुद यूज़ नहीं करता हूँ। जो कि मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से ये भी मान सकते हो कि आप ही लोगों की जो रिव्यू होते हैं उसको लेकर मैं आपके इसी मतलब ऐसी वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग जानेंगे दो कंपनी के बारे में जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है और ज़्यादा बेचती है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, और कोई भी चीज़ें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी चीज़ें कवर करूँगा आज की इस वीडियो पे। तो देखते रहो। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी दो कंपनी है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। सबसे पहला कंपनी जिसका नाम है विपुल कंपनी, दूसरे कंपनी का नाम है पारस, या फिर अपोलो भी कह सकते हो। अगर पारस आपको नहीं मिल रहा है तो उसके जगह आप अपोलो भी रख सकते हो, ठीक है? विपुल में ऐसी कौन सी खास है? देखो, विपुल कंपनी का अगर आप कोई भी पाइप लेने जाते हो तो पहली बात तो ये जान के चलो कि आपको विपुल कंपनी में आपको सफ़ेद कलर का ही पाइप देखने को मिलेगा, एकदम वाइट प्लेन, मतलब एकदम सफ़ेद कपड़े की तरह आपको वो पाइप देखने को मिलेगा विपुल कंपनी का। और विपुल में दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं दानेदार पाइप, यानी कि अगर आप उसको अपने हाथों से टच करते हो तो आपको लगेगा कुछ हल्का सा दाना टाइप के इसके अंदर है। दाना वो क्या होता है, वो पाइप जब बनाया जाता है तो कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं जो अच्छे से रह जाती है मजबूती के लिए, और एकदम प्लेन पाउडर की तरह आता है, जब आप उसको अपने हाथों से छोड़ोगे तो फिसलेगा। तो ऐसे ही दो कंपनी, मतलब एक ही कंपनी के दो टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है? बाकी कंपनी दोनों सेम ही रहती है, मजबूती भी दोनों की अच्छी रहती है, आप कोई भी ले सकते हो, दोनों बढ़िया है। सेकंड कंपनी है पारस या अपोलो। अपोलो में आपको वाइट कलर की भी मिल सकती है, लेकिन पारस में आपको वाइट कलर की पाइप नहीं मिलेगी, आपको बीच में लाइन टाइप की देखने को मिलेगी, वो ब्लू कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है, या रेड कलर की हो सकती है, और जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रे कलर का होगा, हल्का सा डार्क ग्रे कलर का होगा, या तो फिर ब्लैक कलर का भी कह सकते हो, मिल सकता है आपको किसी किसी एरियाज पे, ठीक है? तो चलो अब जानते हैं, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको ये और भी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो पर बताई हुई है, तो उसको इस वीडियो में बार बार बात करना बेकार है, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं कि एक किलो पे ये सींचने वाला पाइप कितना फुट चढ़ता है। तो एक किलो, अगर आप एक किलो पाइप लेते हो, डिलीवरी पाइप लेते हो, तो उसमें आपको 20 फुट देखने को मिलेगा, एक किलो में 20 फुट आपका चढ़ता है। अब कोई कोई पाइप में 22 फुट भी चढ़ता है। अब देखो, सब अपनी अलग अलग कंपनी है तो वो अपने हिसाब से अलग अलग फुट पे बनाती हैं, अलग अलग गेज के हिसाब से। गेज का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था पीवीसी पाइप के वीडियो पे कि गेज का मतलब होता है कि पाइप, जैसे कि एक मान लो कि इसे, चलो डिलीवरी पाइप का एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, मान लो एक खेत सींचने वाला पाइप है, इसको जब आप छूते हो तो हल्का सा जहाँ पर आप छू रहे हो वो अगर आपको थोड़ा सा मोटा, जो उसकी थिकनेस है वो अगर आपको मोटा जान पड़ रही है, तो उसी को कहते हैं गेज। अब वो जितना हैवी गेज रहेगा इसका मतलब पाइप उतना ही अच्छा है, पाइप उतना ही भारी चढ़ेगा, और जो फुट है वो उतना ही काम चढ़ेगा। और जितना हल्का पाइप लेते हो आप, उसका जो लंबाई होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो गेज होता है वो पतला होता है, इसलिए वो फैलने में थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो लंबाई उसकी बैठती है वो ज़्यादा बैठती है। तो इसलिए जैसे आप विपुल का लेने जाते हो या पारस लेने जाते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 फुट या 21 फुट से ज़्यादा आपको एक किलो में नहीं चढ़ने वाला है, आप चाहे नाप कर देख सकते हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ें बहुत सारा ये लोग पूछते हैं कि भाई मैं इस एरिया में रहता हूँ, क्या ये कंपनी अच्छी रहेगी, क्या ये कंपनी अच्छी रहेगी, मतलब अपने अपने एरिया के हिसाब से जो वहाँ पर ज़्यादा सेल होता है उसी कंपनी को कमेंट में लोग पूछते हैं। तो गाइस देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
जो विपिल जो भी कंपनी में अपने वीडियो पे बनाता हूँ, आज जैसे डिलीवरी पाइप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, कल पीवीसी चारा मशीन जिसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, कंपनी बताता हूँ, आपको वो कहीं पर भी मिल सकता है। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा और डिमांड बढ़ानी होगी। अब आपके एरिया में जो भी कंपनी का पाइप मिल रहा है, कुछ भी कंपनी का हो सकता है, मेरे एरिया में जो मिलता है मैं आपको उसी कंपनी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो आपके कंपनी में आपके एरिया में जो मिल रहा है वो भी अगर आपको अच्छा लगता है या आप लेने जा रहे हो, तो जो खरीद चुके हैं उनसे अगर आप थोड़ा सा संपर्क करते हो, उनसे पूछते हो, तो अगर वो कहते हैं कि अच्छी कंपनी है, मैंने यूज़ कर रहा हूँ, इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर ले सकते हो। या फिर जो आपका ऑनर है जिससे आप ख़रीदने जा रहे हो, अगर उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, वो कह रहा है भाई ये आला बढ़िया है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन जो मैं कंपनी बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है, मान लो आप ऐसी कंपनी में गए, ऐसी दुकान पे गए जहाँ पर आपको नहीं पता है किसी भी कंपनी के बारे में, वो आपको कह रहा है ये इतनी पाइप लगी हुई है, जो आप कहो वो मैं दे देता हूँ, तो आपको विपुल, पारस, अपोलो ऐसी कंपनी का डिमांड करना है तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट है, तो आप उससे डायरेक्ट कहो कि भाई जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दे दो, ठीक है? ऐसा ही तो आप लोग करते हो। अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है, किसी भी दुकानदार के ऊपर, तो आप उसके पास जाते हो, कहते हो भाई जो भी आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आपको जो कंपनी पता है आप उसी कंपनी का डिमांड करोगे। तो वैसे ही है, जो कंपनी मैं बताता हूँ वो आपको कहीं पर भी मिल सकती है, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। और जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइस, इसका अगर मैं बताऊँ आज के टाइम पे, तो जो विपुल का प्राइस आपको है, अभी लॉकडाउन के बाद पता नहीं क्यों जो इसका प्राइस है ठेस सींचने वाला पाइप का, वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक हिसाब से उतना ज़्यादा प्राइस इसका नहीं बढ़ा है। मैं आपको अगले साल का प्राइस बताता हूँ। पहले 2020 में या फिर 19 में जो ठेस सींचने वाला पाइप होता है, उसका अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक जो प्राइस रहता है, वो लगभग 140-145 रुपए किलो तक चला जाता है। 140 रुपए किलो तक चला जाता है। लेकिन अभी इस टाइम लॉकडाउन के बाद से क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा घटे हुए हैं। यानी कि अगर आप लेने जाते हो उस टाइम, तो आपको 120 रुपए किलो, 115 रुपए किलो, यहां तक आपको 110 रुपए किलो तक भी मिल सकता है विपुल कंपनी का। अगर आप पारस का लेने जाते हो या अपोलो का लेने जाते हो, तो आपको वो 100 रुपये किलो तक भी मिल सकता है। तो इतना ज़्यादा प्राइस घट चुका है। तो अभी बहुत राइट टाइम है आप सभी के लिए। अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हो, आपको यूज़ लग रहा है कि ज़रूरत है, तो ज़रूर खरीदो, अभी प्राइस बहुत सस्ता है। और एक चीज़ और है जो महंगा होने वाली है, जो ये पाइप जहाँ पर लगता है, जो खेत सींचने वाला मोटर होता है, तो उसका भी प्राइस अभी बहुत ज़्यादा घटा है, और उसका सीज़न आने वाला है, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा उसी खेत सींचने वाले मोटर के ऊपर, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो।